तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा खासा विन कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला होने वाला है T10 का, इस मैच के बारे में जो होने वाला है BCP वर्सेस LIZ की टीम के बीच में। इस वीडियो में आपको इन दोनों टीम्स के हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से बताऊंगा। हर एक प्लेयर का मैं आपको स्टैट्स और रीसेंट फॉर्म बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो, स्टैट्स या कुछ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बस ऊपर में हम सारे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। अब रीज़न क्या है इसका, देखो भाई, ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस दोनों टीम्स के बीच में प्ले किए जा चुके हैं, तो स्टैट्स बताने से भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी वो मैं नहीं चाहता। मैं आपको चाहता हूँ कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। तो कम से कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूंगा इस वीडियो में। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग जो है अभी से ही लाइक कर दो। अब देखो, नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, प्लस इस वीडियो में भी आप सभी के लिए 300 रुपीज़ का बिल्कुल फ्री गिवअवे है, जिसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो के बीच में मैंने आपसे जस्ट वन क्वेश्चन पूछा है इसी मैच के रिलेटेड, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और जिस किसी भी बंदे का उस आंसर का सही आंसर होगा वो हमारे गिवअवे का विनर बन जाएगा। कुछ रूल्स हैं गिवअवे के, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, ये कुछ रूल्स है। पहला रूल ये है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 कमेंट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। दूसरा, आपको मैच स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट करना है। तीसरा है, यहाँ पर आपको वीडियो और चैनल दोनों को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। आप हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए चैनल के, तभी आपको प्राइज़ मिलेगा। चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी आप आंसर करोगे, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर लिखने के साथ हमें #DreamTeam भी लिख देना है, तभी आपका कमेंट एलिजिबल होगा। अगर आप ये कुछ रूल्स फॉलो करके विनर बनते हो हमारे गिवअवे का, तो आपको आपका प्राइस दिया जाएगा, और जो भी गिवअवे का विनर बनेगा उनका अनाउंसमेंट प्लस पेमेंट प्रूफ भाइयों मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा। बिल्कुल जेन्युइन गिवअवे ये होने वाला है, तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, सारे प्रूफ मैं आपको वहीं पर शेयर करूँगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। ऑलरेडी 21,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन है। तो भाई, ये बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधा मैच के ऊपर। तो देखो, विकेट कीपर सेक्शन में मैं आ चुका हूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया स्टैट्स या कुछ मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, स्टैट्स बताने से बेवकूफ़ी तो होगी ही, प्लस भाई वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में आपको 3 ऑप्शन दिखने वाले हैं, पवनदीप, एम हुजैफा और यहाँ से आर कुमार। पवनदीप बंदा ओपनिंग प्लस बैटिंग करता है, प्लस विकेट कीपिंग भी करता है, तो आपकी टीम में इस बॉलिंग में पवनदीप एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। एम हुजैफा का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कभी फर्स्ट डाउन कभी सेकंड डाउन, लेकिन हाँ top 4 के अंदर ही आता है और प्लेयर अच्छा है, आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको नहीं ले रहा, मैं एक ही विकेट कीपर के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में मेरे हिसाब से एम हुजैफा से अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, सभी लोग आखिर तक बने रहना वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। आर कुमार को आराम से ड्रॉप करो, विकेट कीपिंग बैटिंग कुछ नहीं करता, बैटिंग करेगा अभी तो बहुत ज़्यादा नीचे आता, ठीक है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की, जवाद अली शाह ओपनिंग करेगा, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, और उन दोनों ओवर्स में से एक ओवर आता है स्टार्टिंग में, एक ओवर आता है डेथ में। मस्ट हैव प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन। उमर शाह आपको देखिएगा, ये बंदा फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आता है, और भाई कभी कभी ना जो है बॉलिंग भी डालता है, और जब जब ये बॉलिंग डालता है विकेट इसको मिल जाते हैं, ले लेता है, ठीक है। लास्ट मैच में भी बहुत अच्छा खासा इसने परफॉर्मेंस दिया, लगभग 140+ पॉइंट्स इसने दिए थे। तो बोल रहा हूँ आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, सी बी सी में मैं इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको बताऊंगा CBC के, इसलिए मैं आपको ग्रैंड लीग में ही इसको CBC बनाने का सजेशन दूंगा। जे गिल खेला नहीं है यहाँ से, और कोई प्लेयर अभी तक खेला ही नहीं है, लेकिन हाँ भाई ये सब प्लेयर्स हैं ना, इनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी खेल गया जो अभी तक नहीं खेले, कोई भी खेलिए, स्टैट्स मैं आपको इन सभी का टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो जाकर ज्वाइन कर लो भाई। 21,000 से ज़्यादा लोग पहले से ही ज्वाइन हैं, लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के टॉप पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, सलमान खान आएगा सेकंड डाउन बैटिंग करने, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, ऑलराउंडर प्लेयर है, मस्ट होना चाहिए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आप लोग इसको दे सकते हो, बैटिंग और बॉलिंग काफ़ी अच्छी करता है, एक विकेट टेकर बॉलर भी है, प्लस हार्ड हिटर बैट्समैन भी है। नेक्स्ट यहाँ से के सिंह, ये बंदा आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देगा, प्लस ओपनिंग बैटिंग ये बंदा करता है, हालांकि बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आपको पॉइंट्स ही लेकर दे सकता है, बिकॉज बैटिंग प्लस ओपनिंग ना और प्लस 2 ओवर की बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है T10 जैसे फॉर्मेट में। एम गुणशेखर, देखो अपनी टीम का एक काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, लेफ्टी बैट्समैन है और काफ़ी ज़बरदस्त वाली हिटिंग करता है, इसके पास एबिलिटी है 10 बॉल में 25-30 रन बना देने की, कम बॉल में ज़्यादा रन बनाने की एबिलिटी ये बंदा रखता है, इसीलिए अभी के लिए मैं अपनी टीम में एम गुणशेखर को भी लेकर चल रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ से तेजविंदर सिंह सेकंड डाउन बैटिंग करने आता है, 2 ओवर की बॉलिंग भी करता है, जिनमें से एक ओवर आता है डेथ में, तो टीम में चलो नहीं है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। लास्ट प्लेयर यहाँ से इनका एस सिंह, ये बंदा आपको 2 ओवर की बॉलिंग करके देखा और विकेट टेकर बॉलर है, अभी तक जितने मैच इसने प्ले किए हैं मिनिमम हर मैच में ये बंदा एक विकेट लेकर आया है,
इसके अलावा और कोई यहाँ से अच्छा ऑप्शन है नहीं। एक और एस सिंह है, लेकिन भाई इसने फर्स्ट मैच जो प्ले किया था उस मैच में इसने बॉलिंग नहीं की, इसलिए मैं आपको अवॉइड करने का ही सजेशन दूंगा। ए रहमान एक अच्छा प्लेयर है, अभी तक कोई मैच खेला नहीं है, खेल गया तो आपकी टीम में ट्रंप हो सकता है। उसके अलावा दो तीन और भी प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई भी खेल गया स्टैट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। बॉलिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले भाई हम बात कर लेते हैं गिवअवे के पहले क्वेश्चन की, और एक ही क्वेश्चन हमारी वीडियो में, तो सभी लोग जो है थोड़ा सीरियस लेना, विनर तो भाई पक्का कोई ना कोई बनने वाला है, ठीक है। तो आज के मैच में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स और सबसे कम पॉइंट्स कौन से प्लेयर देने वाला है, ठीक है। अब देखो कोई प्लेयर माइनस में चला गया ना, उसका काउंट नहीं होगा, जीरो से लेकर पाँच पॉइंट, मतलब आप यूँ समझो जो बंदा माइनस में गया उसका पॉइंट काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो प्लेयर काउंट नहीं होगा। पॉजिटिव में रहना चाहिए और सबसे कम रहना चाहिए, लाइक एक पॉइंट भी हुआ तो काउंट होगा, लेकिन हाँ अगर जीरो भी काउंट होगा, लेकिन अगर माइनस वन से लगे तो उसका पॉइंट काउंट नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, तो सभी लोग कमेंट कर देना, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, उन सभी रूल्स को फॉलो करके देना गिवअवे का आंसर, तभी आपको जो है आपका प्राइज दिया जाएगा। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, काफ़ी सारे बॉलर्स आपको जो है खेलते हुए दिखने वाले हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपनी टीम में मिलूंगा एच उल्लाह को, रीज़न क्या है भाई, देखो पहली बात सबसे बड़ा ट्रंप मेरा होने वाला है इस मैच में एच उल्लाह, लास्ट मैच में भी दो विकेट लिया था, उस मैच में भी हमारा ये बंदा ट्रंप कार्ड था, ठीक है। ऐसे प्रूफ आप लोग देखकर टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ जाकर ज्वाइन कर देना भाई, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट मिलने वाला है, फ्री टीम हम प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा मैंडेट है हमारा खास करके T10 मैचेस में। नेक्स्ट आप देखिएगा एम खान, ये भी एक काफ़ी अच्छा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर ये भी है, तो आपकी टीम में ये भी होना चाहिए। और लास्ट प्लेयर यहाँ से चेतन शर्मा, ये BCP की टीम का मेन बॉलर है प्लस विकेट टेकर बॉलर है, हर मैच में बंदा आपको मिनिमम वन विकेट तो प्रोवाइड कर ही देगा आराम से। बाकी जी सिंह भी आपको एक प्लेयर दिख जाएगा, पहले मैच में इस बंदे ने एक ओवर की बॉलिंग की और एक विकेट ये ले गया था, तो बॉलिंग का मैं आपको श्योर नहीं हूँ कि दो ओवर डालेगा नहीं डालेगा, तो इसलिए आपको बोलूँगा ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। BIU अच्छा बॉलर है, खेल नहीं रहा, ड्रॉप करो। एस चहल अच्छा बॉलर है लेकिन खेल नहीं रहा, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो अगर ये बंदा खेल गया तो। फुरकान मोहम्मद, देखो ये एक अच्छा प्लेयर है लेकिन भाई इसको पता है क्या प्रॉब्लम है, एक ओवर में जब ये 10-12 रन पीट जाता है तो दूसरा ओवर इसका कट हो जाता है, ठीक है। आर ब्रार, ये BCP की टीम का कैप्टन है और ये बंदा भी आपको एक से दो ओवर की बॉलिंग करके देता है, लेकिन किसी भी मैच में ये बंदा बॉलिंग करने आ जाता है, इसलिए हमेशा ही एक ग्रैंड लीग का अच्छा पिक रहेगा, किसी भी मैच में ये बंदा बॉलिंग करने आ जाता है और विकेट जब जब ये बॉलिंग करता है इसको मिल जाते हैं, ठीक है, लेता नहीं है, मिल जाते हैं, याद रखना। तो देखो भाई अभी के लिए मेरी टीम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, और ये जो टीम है मेरी स्मॉल लीग की टीम है, ठीक है। फाइनल टीम आपको बार बार बोल रहा हूँ, टॉस और लाइनअप्स के बाद में मिल जाएगी फ्री में बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो देखो बात कर लेते हैं स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग के कुछ बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस की, पहले मैं आपको बताता हूँ स्मॉल लीग के बारे में। तो देखो यहाँ से आप लोग जवाद अली शाह, उमर शाह, और आप लोग यहाँ से सलमान खान प्लस तेजविंदर सिंह को एज ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, सॉरी स्मॉल लीग, ठीक है। अब ग्रैंड लीग्स की बात करूँ, पवनदीप एक अच्छा ऑप्शन है, एम गुणशेखर भी एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये भी आपको बड़े बड़े हिट लगा के दे सकता है। तीसरे यहाँ से आप लोग चेतन शर्मा को भी कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ से उमर शाह, ये कुछ बेस्ट कैप्टनसी के ऑप्शन हैं ग्रैंड लीग्स में, ठीक है। तो दोनों का मैंने आपको बता दिया, मैं अभी के स्मॉल लीग की बात करता हूँ, तो जवाद अली साहब होने वाला है मेरा कैप्टन, जो काफ़ी अच्छा बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों है, वाइस कैप्टनसी में देने वाला हूँ उमर शाह या फिर सलमान खान में से एक। अब देखो अगर LIZ की टीम पहले बैटिंग कर गई तो मैं यहाँ से लूँगा सलमान खान को एज ए वाइस कैप्टन, बिकॉज इसकी बैटिंग काफ़ी अच्छी है, तो उस केस में इसकी बैटिंग आएगी और दो ओवर तो भाई बॉलिंग करता ही है। लेकिन अगर LIZ पहले बॉलिंग कर गई तो यहाँ से हो सकता है मैं उमर शाह को बना दूँ, अभी के लिए मैं अपनी वाइस कैप्टनसी दे रहा हूँ सलमान खान को। तो भाइयों कुछ इस तरीके से मेरी टीम आपको दिख जाएगी, बाकी देखो फिर से बोल रहा हूँ इनिशियल टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस और जनम के बाद, जाके सभी लोग फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, फाइनल टीम आपको वहीं पर मिलेगी। आई होप भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना, आपके एक एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आने वाली वीडियोज़ में मेहनत करने के लिए, और आप सभी के लिए फ्री टीम से आपको विन करवाने के लिए।